घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। बात कुछ साल पुरानी है। अमेरिका की एक जांच एजेंसी के दफ्तर में एजेंट्स उन अपराधियों की फोन पर बातचीत सुन रहे थे जिन्हें सर्वेलेंस पर रखा गया था। जिन अपराधियों को सर्वेलेंस में रखा गया था वो पड़ोसी देश मेक्सिको के थे। इस बातचीत में जिक्र आया गॉडफादर का। गॉडफादर यानी वो आदमी जिसकी अमेरिका को सालों से तलाश थी, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां अभी तक ये पता भी नहीं कर पाई थी कि ये गॉडफादर कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, इसका असली नाम क्या है। तो फोन टैपिंग में गॉडफादर का जिक्र आते ही एजेंट्स के कान खड़े हो गए। इस बातचीत में एक अपराधी दूसरे अपराधी को बता रहा था कि गॉडफादर अभी टीवी पर लाइव दिख रहा है। गॉडफादर को पहचानने के लिए ये किसी बड़ी लीड की तरह था। तुरंत अमेरिकी एजेंट्स ने मेक्सिको के न्यूज चैनल ऑन किए और टीवी पर जो शख्स दिखा उसके बारे में अमेरिका तो क्या दुनिया के किसी भी देश ने नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा और इतना इज्जतदार आदमी ड्रग्स कार्टेल का गॉडफादर निकलेगा। टीवी पर जो दिख रहा था वो मेक्सिको का रक्षा मंत्री था। मेक्सिको में रक्षा मंत्री सेना से आता है, पूरी सेना को कंट्रोल करता है और राष्ट्रपति के सिवा रक्षा मंत्री के ऊपर कोई नहीं होता है। लेकिन ऐसा आदमी एक ड्रग्स की गैंग चला रहा। आज उस गॉडफादर की पूरी कहानी आपको बताएंगे जो किसी जासूसी नॉवेल के किरदार की तरह है। जैसे हमारी यानी भारत की सरकार को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों का हिसाब रखना पड़ता है, वैसे ही सेंट्रल अमेरिका और मध्य अमेरिकी देशों में ड्रग माफियाओं का हिसाब रखना पड़ता है। वहां पाब्लो एस्कोबार जैसे ड्रग माफिया की कहानी मिलती है। अमेरिका की कुछ साल पुरानी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ड्रग्स का गैरकानूनी कारोबार पूरी दुनिया की जीडीपी के 1.5% के बराबर होता है और ये पूरा धंधा गैरकानूनी है तो इसका हिसाब भी सरकारें नहीं रख पाती हैं। इस धंधे में कुछ माफिया बनकर उभरते हैं जो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि कानून के हाथ भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। 80 और 90 के दशक में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार था, जो कोलंबिया का रहने वाला था और अमेरिका में ड्रग सप्लाई करता था। उस दौर में पूरे अमेरिका में कोकेन का अकेला बड़ा सप्लायर था, उसे किंग ऑफ कोकेन कहा जाता था। 1993 में जब पाब्लो एस्कोबार मरा तो वो $30 बिलियन की संपत्ति का मालिक था, जो आज के हिसाब से करीब 430 अरब रुपए के बराबर होती है। उसे इतिहास का सबसे अमीर अपराधी माना जाता है। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का था और तब कोलंबिया अमेरिका में ड्रग सप्लाई का बड़ा हिस्सा निभाता था। एस्कोबार की मौत के बाद ये रूट थोड़ा कमजोर पड़ा तो मेक्सिको के ड्रग माफिया फलने फूलने लगे। मेक्सिको बिल्कुल अमेरिका से सटा हुआ देश है। इस नक्शे में देखिए, अमेरिका के दक्षिण में सीमा मेक्सिको से लगती है। इसी भौगोलिक सहूलियत का फायदा उठाते हुए अमेरिका के गैरकानूनी ड्रग बाजार पर मेक्सिको के ड्रग कारोबारियों ने कब्जा कर लिया। मेक्सिको से अमेरिका में ड्रग्स भेजने का कारोबार $500 मिलियन के बराबर बताया जाता है, यानी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट से भी ज्यादा बड़ा। और मेक्सिको से एक बड़ा नाम उभरा, एल चापो। एल चापो का असली नाम है वाकिन गुजमान। उसकी लंबाई छोटी थी इसलिए एल चापो नाम पड़ गया। स्पेनिश भाषा के शब्द एल चापो का हिंदी में मतलब क्या होता है? बौना। तो पाब्लो एस्कोबार के बाद अमेरिका में ड्रग का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया एल चापो। उसकी गैंग का नाम सिनाओला कार्टेल। अमेरिका और मेक्सिको एल चापो से इतने परेशान हो गए थे कि उसके सिर पर 65 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। एल चापो को फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में रखा हुआ था। एल चापो गिरफ्तार भी हुआ लेकिन चकमा देकर बार बार भाग गया। 2014 में जब उसे मेक्सिको में गिरफ्तार करके हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था, लेकिन जेल में लंबी सुरंग बनाकर वो भाग निकला था। 2016 में फिर गिरफ्तार हुआ और अब अमेरिका की जेल में है। एल चापो की गिरफ्तारी से सिनाओला गैंग कमजोर पड़ता गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेक्सिको में ड्रग का गैरकानूनी कारोबार खत्म हो गया। सिनाओला कमजोर पड़ा तो H2 नाम का गैंग फलने फूलने लगा। अमेरिकी एजेंसियां इस बात से परेशान थी कि वो ड्रग माफिया को गिरफ्तार कर ले रही हैं तो भी ड्रग्स की तस्करी नहीं रुक रही है।
और ज़्यादातर ड्रग्स मेक्सिको के रास्ते आ रहा था, तो अमेरिका को लगा कि मेक्सिको अगर माफियाओं पर शिकंजा कसे तो इससे अमेरिका में सप्लाई कम होगी, वैसे ही जैसे हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि वो आतंकवादियों पर कार्रवाई करे। खैर, तो अमेरिका ने मेक्सिको को हर तरह की मदद देना शुरू कर दिया। अमेरिका की एजेंसियां मेक्सिको से खुफिया जानकारी साझा करती थी, ऑपरेशंस में मदद करती थी, कई और तरह का सहयोग भी दिया जाता था। मेक्सिको ने भी ड्रग माफियाओं पर कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया जिसके तहत जिम्मेदारी सेना को दी, यानी जो काम पुलिस करती थी उसके बजाय सेना को लगा दिया गया। जहां ड्रग माफिया ज्यादा गैंग वॉर करते थे वहां गलियों में सेना की तैनाती कर दी गई। ये 2006 की बात है। फिर 2012 में मेक्सिको के रक्षा मंत्री बने साल्वाडोर सीएन फुएगोस और राष्ट्रपति थे एनरिक पेन्या नियतो। रक्षा मंत्री रहते साल्वाडोर सीएन फुगेओस पर ही ड्रग माफियाओं पर भी कार्रवाई का जिम्मा था। उनके कार्यकाल में ही 2014 में एल चापो की गिरफ्तारी हुई और सिनाओला गैंग पर कुछ लगाम लगी, इसकी तारीफ भी हुई। लेकिन मेक्सिको की H2 नाम का एक गैंग जो था वो मजबूती से अमेरिका में अपना कारोबार बढ़ा रहा था, इसलिए अमेरिकी एजेंसियां अब इस गैंग के पीछे पड़ी हुई थी। अमेरिकी एजेंसियों ने H2 कार्टल से जुड़े लोगों की सर्वेलेंस शुरू कर दी, फोन टैपिंग शुरू हो गई। जांच से अमेरिकी एजेंसियों को मालूम चला कि कोई एल पादरीनो है जो इस गैंग में बहुत बड़ा दखल रखता है। एल पादरीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अंग्रेजी मतलब है गॉडफादर। अब अमेरिकी एजेंसियों को समझ आ गया था कि ड्रग्स के डिलीवरी बॉयज को पकड़ने से मकसद पूरा नहीं होगा, गॉडफादर यानी बड़े पापा तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन गॉडफादर एक रहस्यमय किरदार था, उसके बारे में ड्रग्स अपराधियों को भी ज़्यादा खबर नहीं थी। कोई था जो बिना अपना नाम, बिना अपना चेहरा दिखाए, बिना असली नाम बताए कहीं से बैठ कर पूरा गैंग चला रहा था और बहुत ताकतवर भी था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको फिल्मों में दिखता है। इतना ताकतवर कि मेक्सिको के जहाज़ों से समंदर के रास्ते ड्रग की सप्लाई करवा देता था। लेकिन असली पहेली तो ये थी कि ये गॉडफादर है। गॉडफादर को पकड़ने के लिए अमेरिकी एजेंसियों ने ऑपरेशन पादरीनो चलाया। धीरे धीरे एजेंसियों ने पता लगाया कि गॉडफादर सेना का कोई बड़ा अफसर है, हालांकि ये जानकारी भी पुख्ता नहीं थी। और फिर अपराधियों की फ़ोन कन्वर्सेशंस में गॉडफादर के लाइव टीवी पर आने का हिंट मिला। तब अमेरिकी एजेंसियों को मालूम चला कि गॉडफादर तो वो आदमी निकला जिसे ड्रग्स अपराधियों पर कार्रवाई करने का जिम्मा सौंपा गया था। साल्वाडोर सीएन फुएगोस 2012 से 2018 तक मेक्सिको का रक्षा मंत्री रहा था, राष्ट्रपति के बाद मेक्सिको का दूसरा ताकतवर आदमी था, सेना में जनरल रहा था। अब अमेरिका ने ड्रग्स रैकेट के गॉडफादर की पहचान तो कर ली, लेकिन उसे पकड़े कैसे, क्योंकि मेक्सिको में जाकर एक पूर्व रक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने में कई बाधाएं थी। इससे पहले मेक्सिको में कोई पूर्व रक्षा मंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ, इसलिए अमेरिकी एजेंसियों ने वही किया जो उनके हाथ में था, इंतजार, सही मौके का इंतजार। और ये सही मौका 2020 के अक्टूबर महीने में आया। 16 अक्टूबर को मेक्सिको के पूर्व रक्षा मंत्री साल्वाडोर सीएन फुएगोस परिवार के साथ अमेरिका घूमने आए। जैसे ही वो लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर उतरे, उनके इंतजार में बैठी अमेरिकी एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीएन फुएगोस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया गया है। इसके अलावा अमेरिका में हेरोइन, कोकेन, मारीजुआना जैसे कई ड्रग्स की 2015 से 2017 के बीच सप्लाई करने का आरोप लगाया है। इस गिरफ्तारी से मेक्सिको में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस सेना पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है उसका प्रमुख रहा आदमी ही अपराधी निकला। मेक्सिको के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेस मानुएल लोपेस ओब्राडोर ने पूर्व रक्षा मंत्री की गिरफ्तारी के बाद भी सेना का बचाव किया। कहा है कि सेना में कुछ बैड एक्टर्स हैं जो पूरी सेना खराब करते हैं। फिलहाल मेक्सिको के पूर्व रक्षा मंत्री अमेरिका की जेल में बंद हैं और उन पर केस चलाने की अदालती कार्रवाई हो रही है। ये थी हमारी आज की बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अमेरिका से है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली के दौरान महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची को बेवकूफ और मुसीबत कह दिया। डॉक्टर फाउची ने कोरोना प्रोटोकॉल्स को ना मानने के लिए ट्रंप की आलोचना की थी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर को होने हैं, 23 अक्टूबर को आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी। इस डिबेट को मैनेज करने वाले कमीशन ने एक कैंडिडेट के बोलने के दौरान दूसरे का माइक म्यूट रखने का फैसला लिया है। ट्रंप ने इस डिसीजन को अन्यायपूर्ण बता दिया, हालांकि उन्होंने इस डिबेट में शामिल होने की रजामंदी दे दी है। दूसरी सुर्खी जापान से है। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी कात्सुनोबो कातो ने 2021 टोक्यो ओलंपिक गेम्स की साइबर सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान किया है।
ये बयान ब्रिटिश सरकार के उस खुलासे के बाद आया है जिसमें रूसी हैकर्स पर टोक्यो ओलंपिक्स में साइबर हमले की प्लानिंग का आरोप लगाया गया था। 19 अक्टूबर को अमेरिका ने रूसी खुफिया एजेंसी के 6 एजेंट्स पर फ्रांस के चुनाव, विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में साइबर अटैक करने का इल्ज़ाम लगाया था। रूस ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। दिसंबर 2019 में रूस को 4 साल के लिए ओलंपिक समेत दूसरे ग्लोबल स्पोर्ट्स में शामिल होने से रोक दिया गया था। आज की तीसरी सुर्खी अफ्रीकी देश कांगो से है। मंगलवार 20 अक्टूबर की सुबह बेनी शहर में हथियारबंद लोगों ने कांगबाई जेल पर हमला कर 900 कैदियों को बाहर निकाल लिया। शहर के मेयर ने इस हमले के लिए इस्लामिक आतंकी संगठन ADF यानी अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ADF की स्थापना 1990 के दशक में युगांडा में हुई थी। ये संगठन कांगो में काफी सक्रिय है। 2019 से अब तक 1000 से अधिक नागरिकों की हत्या कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि ADF और इस्लामिक स्टेट ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है तारीख सेक्शन की। आज है 20 अक्टूबर। इस तारीख का संबंध एक सफर से, अस्तित्व बचाने की यात्रा। ये उस लॉन्ग मार्च की कहानी है जिसकी बुनियाद पर चीन का वर्तमान खड़ा है। साल था 1927 का। चीन में राष्ट्रवादी कुओमितांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सिविल वॉर चल रहा था। ये दोनों पार्टियां कुछ समय पहले तक साथ मिलकर सत्ता की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन जैसे ही कुओमितांग की लीडरशिप चियांग काईशेक के हाथों में आई, उन्होंने कम्युनिस्टों को चुन चुन कर रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। 12 अप्रैल 1927 को शंघाई में 5000 कम्युनिस्टों को मौत के घाट उतारा गया था। इसे इतिहास में शंघाई नरसंहार के नाम से जाना जाता है। अब लड़ाई दो मोर्चों पर थी, पहचान कायम करने की और उससे पहले खुद को बचाने की। कम्युनिस्ट पार्टी के पास लड़ाकुओं की छोटी सी फौज थी, रेड आर्मी। शंघाई नरसंहार के बाद रेड आर्मी को एक नया कमांडर मिल गया, नाम माओ त्से तुंग। कुछ समय पहले तक माओ एक स्कूल में टीचर थे, लेकिन जल्दी ही नौकरी छोड़कर फुल टाइम पार्टी में काम करने लगे। कुओमितांग से लोहा लेने के लिए माओ गांवों की तरफ गए। उन्होंने किसानों को साथ में लड़ने के लिए तैयार कर लिया और कुओमितांग सरकार के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई लड़ने लगे। उनका गढ़ था दक्षिण पूर्व में बसा प्रांत जियांगशी। चांग काईशेक ने 4 बार इस गढ़ को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन सफलता मिली 5वें प्रयास में। चियांग काईशेक की सेना जियांगशी को घेर कर बैठ गई, सप्लाई लाइन बंद कर दी। माओ के लोग भूखों मरने के गगार पर पहुंच गए। अब सवाल सर्वाइवल का था और इसके लिए बाहर निकलना जरूरी था। 16 अक्टूबर 1934 के दिन माओ लगभग 1,00,000 सैनिकों के साथ जियांगशी छोड़कर भागे, सुरक्षित ठिकाने की तलाश में। वो ठिकाना मिला 20 अक्टूबर 1935 को। माओ की रेड आर्मी अब तक चीन के उत्तरी हिस्से में पहुंच चुकी थी। लगभग 6,000 किलोमीटर का सफर और रास्ते में मिले दर्जनों पहाड़ और नदियों को पार करने के बाद माओ की रेड आर्मी में करीब 8,000 लोग ही जिंदा बच पाए थे। इस सफर को लॉन्ग मार्च का नाम दिया गया। जब माओ के जिंदा बचने की खबर फैली, पूरे चीन से लोग उनके दल में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे। उन्होंने माओ को दैवी अवतार मान लिया था। माओ ने इसी के दम पर 1 अक्टूबर 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की। 1976 में माओ नहीं रहे, मगर चीन में आज भी कम्युनिस्ट सरकार का राज कायम है। ये था आज का दुनियादारी शो। अब चलते चलते विश्व कविता। आज आपको सुनाते हैं नाजिम हिकमत की कविता, तुर्की कवि, नाटककार, निर्देशक और न जाने क्या क्या। नाजिम, जिन्हें रोमांटिक रेवोल्यूशनरी भी कहा जाता था, उन्होंने राजनीतिक विचारों के चलते अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में या फिर देश निकाला सहते हुए गुजारा। नाजिम की कविताओं का 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और आज जो कविता हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका अनुवाद तो खुद फैज अहमद फैज ने किया था। तो ऐसी क्या बात थी नाजिम में, उनकी कविता सुनकर खुद जानिए। जीने के लिए मरना ये कैसी सआदत है, मरने के लिए जीना ये कैसी हिमाकत है। अकेले जियो एक शमशाद तन की तरह और मिलकर जियो एक बन की तरह। हमने उम्मीद के सहारे टूट कर यूं ही जिंदगी जी है, जिस तरह तुमसे आशिकी की है। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश
जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।